सफर हमारा शुरुआत हो चुका है। हम जगदलपुर से लगभग 26 किलोमीटर का सफर तय कर ये नेतानार जो आप ये बैरियर देख रहे हैं ये गांव है यहां पहुंचे हैं और यहीं से एंट्रेंस होता है कांगेर वैली नेशनल पार्क के लिए और इस रास्ते से हम जाएंगे कैलाश गुफा। मोस्टली लोग आते हैं जगदलपुर और कांगेर वैली नेशनल पार्क भी आते हैं, कुटुमसर घूमते हैं और आसपास के स्थानों को देखते हैं, बट कैलाश गुफा कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो ये रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है और जिनके साथ हम घूम रहे हैं रिजवी सर के साथ और नैना मैम के साथ, तो इनका होम स्टे भी यहाँ पे बनाया गया है जिसे हम आगे जाकर के दिखाएंगे। आप इस रास्ते से आइए, कैलाश गुफा देखिए और साथ ही साथ दो एक और हिडन गुफाएं हैं जो इनके द्वारा कराया जाता है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बर्ड वॉचर, तो आपके लिए जो ये कांगेर वैली है सबसे बेस्ट स्थान होने वाला है। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का स्टेट बर्ड जो है वो पहाड़ी मैना काफ़ी तादाद में देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपको चिड़िया दिखाई देंगे, जीव जंतु तो दिखाई देंगे ही, चिड़िया ये बहुत विशाल बरगद है और इसमें बहुत सारे मैना हैं। दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि गोप्रो उस तक जूम नहीं कर पाएगा, बट मैं दो मिनट के लिए शांत हो रहा हूँ। यहाँ पे गाय वाय भी हैं तो उनका भी साउंड आएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा मैना का आवाज़ सुनने का। तो दोस्तों पक्का विश्वास है कि आप यहाँ आएंगे तो इस चीज़ को जो कैमरा में फील नहीं कर पा रहे हैं उसे फील कर पाएंगे। जैसे ही आप कांगेर वैली नेशनल पार्क में नेतानार की ओर से प्रवेश करेंगे कैलाश गुफा जाने के लिए और चाहते हैं आप यहाँ पे जनजातीय जीवन या देसी स्टाइल में रहना चाहते हैं, होम स्टे करना चाहते हैं, तो हम अभी जस्ट जा रहे हैं रास्ते में ही वहीं पे हमें मिल्कुल वाड़ा नामक एक गांव मिला है जहाँ नैना मैम और रिजवी सर का यहाँ पे होम स्टे है। आप देख सकते हैं ये होम स्टे का एंट्रेंस है और पूरा देसी स्टाइल में जो यहाँ के लोग रहते हैं, जो यहाँ के गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, ये देख सकते हैं पत्थरों का खप्पर वाला घर बना हुआ है इस ओर, हालांकि एल्वेस्टर वाला बना दिया गया है, बट पूरा देसी स्टाइल में आपको यहाँ मिलेगा। ये एक होम स्टे का इनका रूम है जिसमें आप जैसे एंट्रेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बेड ये आपके लिए दिया जाएगा। अगर आप बैचलर हैं तो यहाँ रुक सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि फैमिली के साथ हैं या किसी और सुविधा आप चाहते हैं पर्सनल, तो आपको यहाँ पे सेकंड बेड दिया जाएगा, इस जगह में आप रुक सकते हैं। यहाँ जो थर्ड रूम है वो यहाँ जो बन चला रहे हैं होम स्टे उनका है। इस ओर टीवी, पंखा, लाइट का व्यवस्था, आपकी चार्जिंग का सभी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है और साथ ही साथ यहाँ से अगर हम बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, तो इस ओर हमको एक बाड़ी भी दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत, जहाँ बैठ के आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ के जो लोकल जनजातीय जीवन है उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये कैसे जीते हैं या क्या कल्चर है। अगर फेस्टिव समय में आप आए हैं तो यहाँ के स्पेशल जो त्यौहार हैं उन सभी को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं और इस ओर वॉशरूम वगैरह भी बनाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था किया गया है बस्तर ट्राइबल होम स्टे के द्वारा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क में कैलाश गुफा की ओर। तो दोस्तों हम लोग अभी कैलाश गुफा की ओर जाने के लिए आगे निकले हुए हैं, बट उससे पहले जो हमारे रिजवी सर हैं वो बोले कि जो हिडन केव है महादेव केव वहाँ जाते हैं और वो इस ओर चढ़ना होगा। दरअसल मैं साथियों आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप कभी भी यहाँ आते हैं तो बिना किसी लोकल, चाहे वो नेतानार का हो या मिल्कुवाड़ा का हो, इनके सहायता के बिना नहीं आ सकते। और एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जो ये बस्तर ट्राइबल होम स्टे हैं जो रिजवी सर चलाते हैं वो आपको गाइड मुहैया करा देंगे, जिसका कुछ चार्जेस रहेगा उसे अगर आप पे कर देंगे तो आप बिल्कुल इस स्थान में आ सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैकिंग करना चाहते हैं, क्लाइंबिंग करना चाहते हैं तो ये सारे चीज करा सकते हैं। तो फिलहाल चलिए चलते हैं हम ऊपर गुफा देखने के लिए। दोस्तों बस्तर के जंगल में ऐसे
हजारों केव हैं और बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। बस्तर का जंगल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत में बहुत बड़ा जंगल है। और यहाँ पर अभी रिजवी सर 20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और फिर भी हर बार कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलता है। और ये तो हमारे लिए बिल्कुल नया है महादेव केव। चलिए चलते हैं और इसके जस्ट बाद आपको हम कैलाश गुफा दिखाएंगे जो कि बहुत ही फेमस है बस्तर का, वहाँ बहुत सारे लोग का आना जाना रहता है। दोस्तों गुफा के पास पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं ये है गुफा। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप आम पर्यटक हैं मतलब आप सिर्फ घूमने उमने के पर्पज़ से आएँ यहाँ तो इसे स्किप कर सकते हैं, सीधा कैलाश गुफा जा सकते हैं। बट आप एक खोजी किस्म के व्यक्ति हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं एज़ वेल, अगर आपको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है जैसे नैना सिंह धाकड़ जी को पसंद है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट करके इस गुफा में जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आपको अंदर जा करके दिखाता हूँ और इन लोग कैसे इसमें एंट्रेंस करेंगे उसको दिखाने वाला हूँ। तो मैं कैसे जाऊँ? आप जाइए, मैं दिखा दूँगा। दोनों पैर पहले रख लेना और ये हाथ इधर रख दो, ठीक है? दोनों हाथ बाहर, पहले पैर घुसा। अच्छा ठीक, समझ गया।